नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मई रविवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मौसम विभाग ने इस बार राजस्थान में समय से पहले मानसून आने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आगामी 2 जून तक प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बादल छाने, तेज आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं इस बार मानसून भी 20 जून के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है, यानी इस बार हर साल की तुलना में 4 से 5 दिन पहले यहां मानसून पहुंच जाएगा। राज्य में इस साल नौतपा का असर भी पिछले 3 साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। इसके पीछे कारण प्रदेश में बन रहा साइक्लोनिक सिस्टम है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के आसार बने। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाने और तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मुद्दों पर बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भरतपुर में सांसद पर हमला, डॉक्टर दंपति की हत्या सहित हाल ही में आपराधिक घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर गहलोत राज जंगल राज को ट्रेंड करवाया। गहलोत राज जंगल राज का हैशटैग एक बार तो ट्रेंडिंग में 4 नंबर पर पहुंच गया था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और वरिष्ठ नेताओं ने सुबह ट्वीट करके इस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की। गहलोत सरकार के खिलाफ ट्विटर पर चलाए गए कैंपेन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित ज्यादातर बीजेपी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराधों पर गहलोत सरकार को घेरने वाले ट्वीट किए। नागौर रोल थाना पुलिस ने 12 साल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ के निर्देशन में एसएसओ रामनिवास मीना और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिव नारायण को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठिकाने बदलकर भागने की फिराक में था। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नागपुर के नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है। इससे 3 घंटे में ही आरटीपीसीआर जीतने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे स्लाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को इसे अप्रूवल दे दिया है। NEERI ने कहा है कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स की मदद करेंगे। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और मरीज के लिए आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। NEERI ने वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा खैरनार ने बताया कि ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ये रिसर्च गेम चेंजर साबित हो सकती है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस टेस्ट के जरिए टेस्ट को अप्रूवल दे दिया है। नागौर जिले के रियाबड़ी कस्बे में जीप और बाइक की भयंकर भिड़ंत हो गई। घटना रियाबड़ी उपखंड के थावला कस्बे की बताई जा रही है। हादसे में आरएएस अधिकारी भागचंद गुज्जर निवासी लाखीना गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरएएस अधिकारी को थावला सीएचसी पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया और अजमेर जाते समय पुष्कर में उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। हर शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 5% ज़्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज़्यादा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज महत्वपूर्ण माने गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। महामारी के घोर संकट काल में जब संक्रमितों के परिजन एक एक इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, तब अस्पताल में ही 17 नर्सिंग कर्मी इंजेक्शन की कालाबाजारी में जुटे थे, जिसमें अब तक 14 नर्सिंग स्टाफ इस मामले में पूरी तरह लिप्त होना बताया जा रहा है। वहीं 3 नर्सिंग स्टाफ अभी संदेह के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि यह घोटाला अस्पताल प्रशासन, जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त आरएएस अफसरों और मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी।
जून से बैंकिंग एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आईटीआर फाइलिंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, छोटी बचत पर ब्याज जैसे कई योजनाओं के नियम बदलेंगे। कुछ बदलाव 1 जून से तो कुछ 15 जून से होंगे। नए महीने एलपीजी के दामों में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की घोषणा करती हैं। मौजूदा समय में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर गैस का दाम 809 रुपये है और जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम उछल रहे हैं उससे आशंका है कि गैस के दाम में 50 से 100 रुपये प्रति सिलेंडर तक वृद्धि की जा सकती है। कोटा जिले के दरा के निकट अल सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड को टक्कर मार दी। हादसे में मोपेड सवार महिला 55 वर्षीय रामप्यारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोपेड सवार बुजुर्ग घायल हो गया। दरअसल कोटा रायपुरा निवासी बुजुर्ग पति पत्नी गोपालपुरा माताजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पीछे से झालावाड़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग महिला ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक के पहिए महिला की गर्दन पर चढ़ गए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.